Hi guys, this is Raghavendra Pratap Singh and we are going to start the subject HHM, that is hydraulic machine. And in previous lecture we have discussed about capillarity and viscosity, but we have left some topic, that is compressibility and some other. So today we are going to discuss about those topics which we have left. तो यार आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कंप्रेसिबिलिटी। तो यार कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? सीधी सीधी बात है, जैसे कि हिंदी में से संपीड्यता कहा जाता है, तो यार ये कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबना, ठीक है ना। कोई चीज़ एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने पर कितना दब जाता है, दैट इज़ कंप्रेसिबल। ये तो हो गया हमारा जनरल बात, ठीक है ना, कि हम जनरल लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं। तो अगर हम हिंदी में देखें, आज देखो हमने इसमें हिंदी के साथ साथ अपना नोट्स खुद का जो है उसको इंक्लूड कर दिया है, ताकि मुझे जो है एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है ना। मुझे हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने हिंदी का नोट्स आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है इसमें, जिससे कि आप हिंदी का जो भी डिफिनेशन है वो आसानी से लिख लें, और मैं जो एक्सप्लेन करूँगा मैं अपने नोट्स से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है, क्या प्रॉपर्टी है वो फ्लूइड की, ठीक है। तो यार फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। तो मुझे पिछले लेक्चर्स में थोड़ा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए, आप लोग मेरा नोट्स देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ, जो मेरा खुद का नोट्स है वो मैंने इसमें पीडीएफ में इंक्लूड किया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर अपना जो ग्रुप बना है वहाँ पर हमको मैसेज करिएगा। और हमारा एक पेज है सिविल फॉर सिविलियंस, ठीक है, सिविल फॉर सिविलियंस, उसको आप लाइक करिए और आपको ये सारे नोट्स वहाँ पर हम प्रोवाइड करवाएंगे। वैसे ये पेज तो अभी नया है, मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है, कि ताकि आप लोगों को हमारा नोट्स, अगर आप किसी को इंग्लिश में चाहिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हैं, तो उस पेज को लाइक करिए, और ताकि हम लोगों का कांटेक्ट भी बना रहे और आपको जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर सॉल्व हो पाए। तो हम शुरू करते हैं गाइस। तो यार अगर हम देखें इसको हिंदी में, तो कह रहा है कि सभी तरल दाब लगने पर कुछ ना कुछ दबते हैं। अगर हम देखते हैं कि सॉइल को अगर हम दबाते हैं तो वो को सम एक्सटेंट या फिर एक्सटेंट तक वो दब जाता है, ठीक है ना। या फिर हम अगर बात करें कि अगर रुई लेते हैं, ठीक है ना, या फिर स्पंज लेते हैं, तो इन सब को क्या करते हैं, दबाते हैं, और दबाने पर उसका क्या होता है, जो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। वॉल्यूम चेंज होने के साथ साथ अगर हम देखें तो उनकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यार यहाँ पर एक डेंसिटी का फैक्टर आएगा, इस फैक्टर का क्या मतलब होता है हम आगे भी आपको समझाते हैं। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये डिस्कशन जो है काफ़ी लंबा चलने वाला है, ठीक है, लंबा इन द सेंस कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इस पूरे लेक्चर में एक दो टॉपिक पर ही पूरा लेक्चर ख़त्म करूँगा। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी कह रहा है कि सभी तरल दाब लगने पर कुछ ना कुछ अवश्य दबते हैं। तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर, लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर रहा है तरल का, और हमने आपको बताया था तरल बोले तो इंग्लिश में फ्लूइड, फ्लूइड जो होता है गैस और लिक्विड दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है, ठीक है ना। अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है, हम अब आपको बताएं तो फ्लूइड जो है कि दैट इज लिक्विड एंड गैस, तो लिक्विड जो होता है जनरली इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल क्यों होता है ये हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। इनकम्प्रेसिबल होता है, जबकि गैसेज जो होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है ना, इनको बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि अनेक तरलों की संपीड्यता, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी, उनके वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के विलोमानुपाती होता है। इस प्रकार संपीड्यता को संपीड्यता गुणांक, दैट इज कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, उसको हम बीटा से शो करते हैं, ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिएगा, संपीड्यता गुणांक जो है उसको बीटा से शो करते हैं, ठीक है, का आयतन गुणांक माना जाता है। जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है वैसे वैसे आयतन गुणांक के बढ़ने के साथ साथ संपीड्यता घटती जाती है। ये आयतन गुणांक क्या होता है आइए हम आपको और डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपको हिंदी इंग्लिश में लिखना है डिफिनेशन, तो ये मेरे नोट्स, ये मेरा नोट्स है, और आप लोग यहाँ से इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इंग्लिश में इसका डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एट द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड। रेसिप्रोकल का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है फ्लूइड की, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी को हमने आपको जैसा कि बताया कि इसको बीटा से शो करते हैं, तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 1/k, ठीक है ना। 1/k है क्या है, हियर k इज़ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, k
के इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यार ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करेंगे? अब मान लीजिए बीटा इजिकल टू 1/k तो हो गया, अगर के हमें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं पता है तो हम बीटा की वैल्यू कैसे पता करेंगे, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू कैसे पता करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए हम आपको एक सुनाते हैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट की कहानी। ठीक है ना, मान लिया जाए एक पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है ना, पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें कि कोई फ्लूइड भरा हुआ है या गैस भी हो सकता है, जो फ्लूइड है वो भरा हुआ है, वो फ्लूइड यहाँ है, यहाँ पर फील्ड है, ठीक है, और ये जो है वो इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर, दिस इज पिस्टन और दिस इज पिस्टन, दिस इज पिस्टन एंड दिस इज सिलेंडर। तो कह रहा है कि ये एक पिस्टन है और यह एक सिलेंडर है, और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है ना, ये फ्लूइड कुछ भी हो सकता है। इस फ्लूइड के भरने से क्या हुआ कि ये जो फ्लूइड है इसमें, इस फ्लूइड पर हमने पिस्टन से एक प्रेशर लगाया पी, ठीक है ना, और इस पी की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो है वी, दिस इज वी, वी फॉर वॉल्यूम। मैं थोड़ा दूसरी तरफ लिखता हूँ तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, तो ये है वॉल्यूम वी। अब हमने इस पर प्रेशर लगाया और इसकी वजह से इसमें वॉल्यूम वी है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और इसका अभी ये इनिशियल कंडीशन था, दिस इज इनिशियल कंडीशन, और उसके बाद जो इसका दूसरा कंडीशन होता है वो इधर आता है, ठीक है। इस दूसरे कंडीशन में हमने इस फिगर में इसको दिखाया है आपको कि हमने प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इसका जो नया वॉल्यूम हो गया वो डीवी हो गया, ठीक है ना, यानी वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज हो गया। अब देखो अगर यहाँ पर लिक्विड होगा तो ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है, अगर ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होने का मतलब है कि पहले जो फ्लूइड इतने वॉल्यूम में था अब वो सिमट कर यहाँ आ गया, यानी कि ये इसकी डेंसिटी बढ़ गई, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा अभी हम आगे देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि फाइनल कंडीशन में हमारा जो सिलेंडर है वो यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आने का मतलब यह हुआ कि जब हम पी जो फोर्स लग रहा था हमारे पिस्टन पर, उसको हम पी प्लस डेल पी कर दे रहे हैं, ठीक है ना, पी प्लस डेल पी कर दे रहे हैं, या फिर हम अगर डेल पी नहीं ले रहे हैं तो ये डेल पी सीधा ले लिया जाए, ठीक है, या फिर डी पी ले लिया जाए, जो आप लोग के लिए आसान पड़े, यानी कि थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो जो वॉल्यूम हो रहा है वो कम हो जा रहा है, ठीक है ना, जैसे कि स्पंज का कोई टुकड़ा है, ठीक है ना, या फिर रुई है, तो आप लोग उसको एक हाथ से हल्का सा दबाइए। तो अभी मान लीजिए ये इनिशियल कंडीशन है, आपने उसे अपने हाथ में ले रखा है, ठीक है ना, उसके बाद आपने उसे अपने हाथ में दबाया तो उसका जो वॉल्यूम है रुई का वो क्या हुआ, एकदम कम होके थोड़ा सा आपके मतलब हाथ में पूरी तरह से आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये वॉल्यूम चेंज होने की वजह से, इनिशियल मतलब हल्का सा प्रेशर चेंज करने की वजह से इसके वॉल्यूम में चेंज आया, ठीक है। तो यार यहाँ पर चेंज ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रेशर को इनक्रीज कर दिया। अब बात ये है कि ये तुम ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हम बात कर रहे थे कि हम ये के को कैसे फाइंड करेंगे, जो कि है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड करने के लिए हम ये सारी कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। अभी क्या था, हमारे पास एक सिलेंडर था और एक पिस्टन था, पिस्टन जो है सिलेंडर में एक फ्लूइड को जो सिलेंडर में भरा हुआ था उस पर फोर्स पी लगा रहा था, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम वी था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि उस पर लगने वाले फोर्स जो पी था उस पर पी प्लस डी पी लगा दिया, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसमें जो है उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आया। वो जो चेंज था, वॉल्यूम का चेंज जो था, वो वॉल्यूम चेंज यहाँ पर डी वी आया, ठीक है ना, ये नया वॉल्यूम आ गया जो कि पहले वाले इस वॉल्यूम से कम है, ठीक है। अब के का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो डी पी आ गया, ये जो हमने फोर्स लगाया, ये जो नया फोर्स आया, यानी कि हमने जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, ठीक है ना, ये हो गया डी पी।
ये फोर्स को जब हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज यहाँ पर हम आपको मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, ये है डीवी, डीवी है, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, डीवी क्या है, ये जो डीवी है वो चेंज इन वॉल्यूम है, क्योंकि आपको बता रहे हैं ये जो डीवी है, डीवी इज चेंज इन वॉल्यूम। अब यार ये चेंज इन वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम मतलब होता है इनिशियल वॉल्यूम, सॉरी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम तो हमारा क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम तो ये हो गया, और जबकि हमारा इनिशियल वॉल्यूम ये था, ठीक है ना। अब जब देखो फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कम हो गया और इनिशियल ज़्यादा हो गया, तो कम में से जब ज़्यादा को सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि घटाओगे तो हमारा वैल्यू जो होता है वो निगेटिव आएगा, ठीक है ना। जब निगेटिव आएगा तो अब देखो ये जो निगेटिव साइन तुमको दिख रहा है ना, ये इसी निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए लगाया जाता है। हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो तो कभी, अभी अगर ये जो फाइनल डीवी जो होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा। अब इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव में बदलने के लिए इस साइन का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा होगा, इस नेगेटिव साइन को हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो चेंज इन वॉल्यूम हमारा यानी डीवी जो ऑलरेडी माइनस में है वो प्लस में आ सके, ये साइन इसलिए पुट करते हैं। और ये जो टोटल कम्बाइंडली डीवी बाई वी हो गया, दिस इज़ नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि के की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, के की वैल्यू हो गई क्या, के का वैल्यू हो गया कि चेंज इन प्रेशर, हमने इनिशियल से कितना ज़्यादा, पहले जो प्रेशर था उससे कितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया है, तो वो हमने जो बढ़ाया वो था डीपी, ठीक है। उसकी वजह से चेंज कितना आया, जो चेंज हुआ वॉल्यूम, वो जो चेंज्ड वॉल्यूम है वो डीवी हो गया, और कितने वॉल्यूम का चेंज हुआ, पहले जो था वी था, ठीक है ना, सॉरी वी से कहाँ हो गया डीवी, ठीक है ना। तो डीवी बाई वी का जो है उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है ना। और ये माइनस साइन क्यों आ गया, इसको आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला तो मैं बताता हूँ। ये आया इसलिए क्योंकि जब हम डीवी जो कि चेंज इन वॉल्यूम है, डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, जब हम चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो यार यहाँ पर देखो जो फाइनल हमारा जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है इसका वॉल्यूम कम निकल के आया है। मान लीजिए इसका पहले ये था 5 सेंटीमीटर क्यूब, और अभी इसका वॉल्यूम कम होके आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी। तो यार जब हम इसको चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डीवी निकालेंगे तो डीवी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5, ठीक है, तो वो आएगा निकल के -3 सेंटीमीटर क्यूब। अब यार ये -3 सेंटीमीटर जब हम यहाँ रखेंगे और ये जो हमारा वॉल्यूम है, तो ये -3 बाई, यहाँ पर फाइनल पहले वाला इनिशियल था 5, ठीक है, तो -3 बाई 5, अभी ये पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, और इसी माइनस को, ये जो -3 बाई 5 हो रहा था, इसी माइनस को हम काउंटर करने के लिए ये जो माइनस, सॉरी रुको, के इजिकल टू डी पी अपॉन, हमने जो एज्यूम किया था कि डी वी की वैल्यू यानी कि -3 जो हमारा आ रहा था अपॉन ये जो पहले की वैल्यू 5 हमने माना था, ठीक है। अब इसको काउंटर करने के लिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक साइन रखा, तो ये जो साइन हमने इसको रखा, सॉरी अलग कलर लेता हूँ मैं, ये जो साइन लिया मैंने, ये साइन जो है यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये जो साइन है ये पूरे इनको क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा, ठीक है ना, इसलिए हमने इस नेगेटिव साइन को रखा है। तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इन जनरल, एक जनरल केस लेते हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारे लेवल का है, आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ये हेल्प करता है न्यूमेरिकल में, ठीक है ना।
तो कह रहा है यहाँ पर दिया है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिलेट कैसे किया गया है डेंसिटी के साथ, ठीक है, वो इसको यहाँ पर दिखा रहा है। तो कह रहा है कि जो के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डेंसिटी इनटू डीपी यानी कि चेंज इन प्रेशर अपॉन डी रो, और सॉरी हाँ ठीक है। तो यार ये डी रो क्या हो गया, के इजकल टू रो इनटू डी पी बाई डी रो, डी रो मतलब चेंज इन डेंसिटी। अब देखना यहीं से शुरू होगा कि कंप्रेसिबिलिटी और कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल कैसे डिफाइन होगा। कह रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ाने से जो वॉल्यूम चेंज होगा उसकी वजह से अगर डेंसिटी चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना, अगर डेंसिटी चेंज हो जा रहा है, रो क्या है, रो इजकल टू एम वाई वी दैट इज डेंसिटी, ठीक है ना, याद करके आना, पिछली बार का क्लास रिवाइज करो, डेंसिटी जो बताया गया था उसको पढ़ के आना अगली बार, ठीक है। तो यार ये जो डेंसिटी है, अगर कह रहा है कंप्रेसिबिलिटी के इज सॉरी के जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये रिलेट कर रहा है जो चेंज किया हमने प्रेशर को, और जो उसकी प्रेशर चेंज होने की वजह से डेंसिटी पर क्या फ़र्क आ रहा है उसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो के है यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू रो इनटू डीपी अपॉन डी रो, चेंज इन प्रेशर है डीपी, और डी रो क्या है, चेंज इन डेंसिटी है, ठीक है ना। अब चेंज इन डेंसिटी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुमको समझा रहा हूँ। मान लो ये एक क्लासरूम था, ठीक है, और इसमें तुम लोग, तो ये चेंज इन डेंसिटी का मतलब क्या होता है ये मैं तुमको बताता हूँ कि मान लो एक क्लासरूम है जिसमें कि हम लोग 10 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर 100 लोग इसमें बैठे हुए हैं। तो यार ये 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, तो अब इसको कंप्रेस कर दिया गया, इसको मतलब क्लासरूम को ही छोटा कर दिया गया, ठीक है ना। अभी हम लोग आराम से दूर दूर बैठे हुए हैं मज़े लेकर, ठीक है। अब उसके बाद जब क्लासरूम को छोटा कर दिया गया है तो यहाँ पर सारे लोग कैसे दिखेंगे, कुछ यूँ ऐसे ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, ठीक है ना, ऐसा बहुत डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो चेंज इन डेंसिटी तो ये हो गया, सॉरी ये क्या है, तो ये जो है रो यही है चेंज इन डेंसिटी, जब पिस्टन यहाँ इस इनिशियल पोजीशन में था और जब प्रेशर बढ़ाया हमने, ये पी प्रेशर लग रहा था, और जब हमने इस पर प्रेशर पी प्लस डीपी कर दिया, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये कुछ डेंस हो गया, जिसका फिगर यहाँ पर है कि इनिशियल पोजीशन भाई ये था, ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन ये था और जब ये प्रेशर पड़ा इस पर तो इसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम हुआ, चेंज इन वॉल्यूम हुआ तो ये क्या हुआ, और पास आया, और पास हुआ तो उसका वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो अगर डेंसिटी कम हुई, ठीक है, तो इसके रिलेशन को, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रिलेशन को डेंसिटी के साथ दिखा रहा है, ठीक है। अब उसका क्या फ़र्क पड़ता है, अब देखते हैं हम। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो बीटा होता है वो 1/k होता है, ठीक है ना, बीटा इजकल टू 1/k, तो हमारे पास k की ये वैल्यू है, ठीक है। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि बीटा इजकल टू 1/ρ (dP/dρ), अब ये क्या होगा, फिर इसको जब कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है ना, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और तो ये कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, कैसे हुआ ये, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यार ये देखो, हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा है बीटा इजकल टू 1/k, अब k की वैल्यू हमने पढ़ा है क्या, सिग्मा इंटू dP/dρ, सॉरी ये रो है, मैं सिग्मा बोल दिया। अब k की वैल्यू, वी पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन दैट इज बीटा इजकल टू 1/k। तो जब हम वहाँ पर पुट करेंगे तो यार ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बीटा इजकल टू 1/ρ (dP/dρ),
रो, ठीक है। अब हम इनको अलग करते हैं, ये डी रो जो है ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू वन बाई रो इंटू डी रो अपॉन डी पी, और ये जो इक्वेशन है यही वहाँ पर लिखा गया है। अब ये दिया है कंप्रेसिबिलिटी डायरेक्ट, ये क्या था, ये अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ा था वो दिखा रहा था रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज के इज इक्वल टू सिग्मा डी पी अपॉन डी रो के बीच में, ठीक है ना यार, बोर मत होना, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तुम्हारे लेवल का ये नहीं है, मैं थोड़ा हमको लग रहा है ज़्यादा पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे उसके लिए भी और साथ में तुम्हारे क्लास में और भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार ये के जगल टू के यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और तुम्हारी डेंसिटी चेंज इन डेंसिटी के बीच में दिखा रहा था रिलेशन। अब जो हमारा नया रिलेशन बन गया वो हो गया कंप्रेसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी दैट इज बीटा इज इक्वल टू वन बाई रो इंटू डी रो अपॉन डी पी, ठीक है। तो यार ये सारे कॉन्सेप्ट को तुम्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को तुम पढ़ लो क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो इन पे तुम नोट्स लिख लेना, मेरे नोट्स से कॉपी कर सकते हो। तो अब कह रहा है कि कब पता चलेगा कौन सा फ्लूइड कंप्रेसिबल है कौन सा नहीं। अगर कह रहा है कि जो हमारा बीटा है यानी कंप्रेसिबिलिटी है, अगर प्रेशर बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, उसकी डेंसिटी जो है बढ़ नहीं रही है, ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्या कहने का मतलब ये है कि प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डी पी जो है वो इंक्रीज हो रहा है बट डी रो इज कांस्टेंट, ठीक है। तो डी रो अगर कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब ये बढ़ेगा कैसे, अगर ये कांस्टेंट है तो इसके बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो टोटल टर्म हमारा होता है डी पी डी रो बाई डी पी ये हो जाता है ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है डी पी सॉरी डी रो, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, डेंसिटी को हमने कांस्टेंट कर दिया, इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। अभी जब कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो वन बाई रो मल्टीप्लाई करके ज़ीरो से बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यही हमने नोट्स में लिखा है, इफ़ डेंसिटी इज़ नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो है डेंसिटी यानी कि दाब के रिस्पेक्ट में जो घनत्व है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी डी पी बाई डी रो बाई डी पी जो है वो ज़ीरो है, इसलिए बीटा विल बी ज़ीरो, बीटा यानी कि कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो होगी। कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो होती है किसके लिए, लिक्विड्स के लिए, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो होती है लिक्विड्स के लिए, ठीक है। कह रहा है कि अगर बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसका मतलब है कि फ्लूइड जो है वो असंपीड्य है, ठीक है ना, इनकम्प्रेसिबल है। इफ बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो देन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल यानी कि असंपीड्य। कह रहा है कि अगर डेंसिटी भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, अगर जैसा कि हमारा सिलेंडर वाला दिखाया गया केस, तो उसमें बीटा इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी कि हमने जब प्रेशर बढ़ाया, यहाँ देखो पहले कुछ यूँ था, पी प्रेशर पर जब हमने प्रेशर लगाया पी, जब ये पी प्रेशर पर इसका वॉल्यूम वी था, लेकिन P प्लस डी पी प्रेशर पर इसका वॉल्यूम हो गया डी वी, यानी कि इसका वॉल्यूम के साथ साथ डेंसिटी भी चेंज हो रही है, यानी प्रेशर के इंक्रीज के साथ डेंसिटी भी चेंज हो रही है क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। अब जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी भी चेंज होगी, अब जब डेंसिटी चेंज होगी यानी कि डी रो बाई डी पी यानी कि प्रेशर के साथ जब डेंसिटी चेंज होगी तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा, यानी डेंसिटी चेंज हो रही है तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, और जब कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी तो डी रो अपॉन डी पी की जो वैल्यू होगी दैट विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, और जब ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू होता है वन बाई रो अपॉन डी पी, और जब ये ज़ीरो ही नहीं हो रहा है तो फिर इसकी वैल्यू ज़ीरो ही नहीं होगी, यानी कि बीटा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर बीटा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी कि अगर कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि
जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल है। फ्लूइड का मतलब लिक्विड या गैस। लिक्विड को हमने बता दिया कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि फ्लूइड का जो बचा हुआ चीज़ है दैट इज़ गैस, तो गैस क्या होता है भाई, कंप्रेसिबल होता है, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है, आगे का नोट्स हम देखते हैं कि दोनों के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है, कि कौन ज़्यादा, कौन कैसे कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा कंप्रेसिबल है या कोई सॉरी लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल है और गैस कंप्रेसिबल है। तो हमने यहाँ पर लिया दो केस, हमने दो लिया केस, एक लिक्विड के लिए और एक गैस के लिए, ठीक है। अब लिक्विड के केस में क्या हुआ, हमने एक टेम्परेचर फिक्स किया और उस फिक्स टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर क्या था, वो फिक्स टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। अब 20 डिग्री सेल्सियस पर हमने 1 atm पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो हमने डेंसिटी लिया वाटर की, दैट वाज रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। वो जो डेंसिटी आई कितनी आई, 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी आई। और फिर हमने 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो डेंसिटी लिया वाटर का, वो 1003 किलोग्राम पर मीटर क्यूब निकल के आई। तो हमने आप देख रहे हैं कि अगर जो हमारा प्रेशर है 1 atm पर है, तो उसकी जो डेंसिटी वाटर की है वो 998 आ रहा है। अगर ये 100 टाइम्स बढ़ जा रहा है तो उसमें चेंज बहुत ही माइनर आ रहा है, यानी बहुत ही माइन्यूट चेंज आ रहा है। तो अगर हम परसेंटेज चेंज फाइंड करें, ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं तो दैट विल बी 1003 - 998/998 × 100, ठीक है। तो यार अभी देखो, जब हम इसका परसेंटेज फाइंड करते हैं, परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो अभी ये 0.5 के अप्रॉक्सीमेटली आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ है कि बहुत ही छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, इसका मतलब है कि ये लगभग जीरो के बराबर है। और जब ये जीरो के बराबर है तो इन केस ऑफ लिक्विड्स द वैल्यू ऑफ बीटा इज़ ज़ीरो, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ बीटा का मतलब, जीरो का मतलब ये हुआ कि हमने आपको बताया कि जब वैल्यू बीटा के जीरो हो जाएगी तो क्या होगा, वो इनकम्प्रेसिबल होगा। और इनकम्प्रेसिबल, और ये हमने केस किस चीज़ का कंसिडर किया है, ये हमने केस कंसिडर किया है लिक्विड्स का, यानी कि लिक्विड्स जो होती हैं वो इनकम्प्रेसिबल होती हैं। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि जो जनरली लिक्विड्स आर ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है ना। तो लिक्विड्स क्या होती हैं, इनकम्प्रेसिबल ट्रीट की जाती हैं, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि अगर डेंसिटी नहीं चेंज हो रही है विद द चेंज इन प्रेशर, सो वी कैन से देयर इज नो कंप्रेशन। हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर डेंसिटी नहीं चेंज हो रही है चेंज इन प्रेशर के साथ साथ, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो क्या हो गया, वो हो गया इनकम्प्रेसिबल। अब गैसेज का केस लेते हैं, गैस का क्या हुआ है, ये हमने लिख दिया हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब होता है कि इसको बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है। इसको कैसे हम प्रूव करते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है, दैट इज़ पी इक्वल टू रो आर टी, ठीक है। रो आर टी से हम ये देखते हैं कि पी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रो, यानी कि प्रेशर जो होता है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ भाई कि अगर पी जो है इंक्रीज करेगा तो रो जो है इंक्रीज करेगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर ये जो है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, अगर आप लोग जानते होंगे ए इज प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब ये हुआ कि अगर ए को हम बढ़ा रहे हैं, इफ़ वी इंक्रीजिंग ए देन द वैल्यू ऑफ बी विल आल्सो बी इंक्रीज। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन कुछ यूँ होता है, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए देन द वैल्यू ऑफ विल बी डिक्रीज, ठीक है। जितने रेट से हम ए की वैल्यू को बढ़ाएंगे उसी रेट से बी की वैल्यू भी घटेगी, ठीक है। ये तो हो गया बात कि आइडियल गैस इक्वेशन से हम ये जान पाते हैं कि प्रेशर अगर बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन कौन सा गैस क्या होगा कि कितना ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है ना। कौन से गैस को, गैसेस को इनकम्प्रेसिबल कैसे माना जाएगा, तो यार इसके लिए पिक्चर में आता है एक नंबर जो कि डायमेंशनलेस नंबर है, वो है
मैक नंबर, ठीक है ना। आगे जब हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे तो इन सारे नंबर्स के बारे में, फ्रॉड नंबर हो गया और भी कई सारे हैं, उन सारे को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, मैक नंबर, फ्रॉड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैक नंबर एम ए इज इक्वल टू वी बाई सी हो गया। वी क्या हो गया, वी क्या हो गया भाई, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम, ठीक है। इस मीडियम में, किसी मीडियम में साउंड की वेलोसिटी क्या है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर मैक नंबर जो है, मैक नंबर की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0.3 है, देन द फ्लो इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल। अगर मैक नंबर की वैल्यू 0.3 है, तब फ्लो को कंसिडर किया जाएगा इनकम्प्रेसिबल, अदरवाइज फ्लो इज नॉट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। यानी कि फ्लो इज कंप्रेसिबल। अगर मैक की वैल्यू, मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से कम आ रही है या इसके बराबर आ रही है, तो फ्लो जो है इनकम्प्रेसिबल माना जाएगा। लेकिन अगर इससे बड़ी आ रही है तो फ्लो क्या होगी, फ्लो मतलब कह रहे हैं कि फ्लूइड जो होगा वो क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा, ठीक है ना। इस आधार पर इसको हम वर्गीकृत करते हैं। और अगर आप अभी भी लिखना चाहें तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि यदि वी तल का प्रारंभिक आयतन मीटर क्यूब में, हमने आपको सिलेंडर का एग्जांपल लेके समझा दिया है, ठीक है। तो आप चाहें तो सिलेंडर को बना भी सकते हैं कि कुछ यूँ सिलेंडर का इनिशियल कंडीशन है, जिसमें कि एक पिस्टन है, अलग कलर लेता हूँ, ठीक है। ये एक पिस्टन है जो कि यहाँ से जुड़ा हुआ है, जिस पर एक फोर्स लग रहा है पी, ठीक है। और इसकी वजह से अंदर का जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस टाइम इसका वॉल्यूम हो गया वी, ठीक है। अब जब हम दोबारा इसका, अगर दोबारा दूसरा केस बनाना चाहें तो इसके बाद आप लोग बना लीजिएगा, हम यहाँ पर बना रहा हूँ। तो कह रहा है डी पी तरल पर दाब में परिवर्तन, ठीक है। हमने बताया कि पी था तो वॉल्यूम वी था, और जब डी वी हो गया, यानी डी पी हो गया, पी प्लस डी पी हो गया, तो उसका वॉल्यूम डी वी हो गया। डी वी यानी कि डिक्रीज इन वॉल्यूम, डी वी ऐसा मतलब ये डिफ्रेंसिएशन वाला डी है, डिक्रीज इन वॉल्यूम नहीं, डिक्रीज इन वॉल्यूम मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि हम जब दाब बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, यानी उसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके जो वॉल्यूम होगा उसमें कमी आ रही है, ऐसा जैसा मैंने आपको सिलेंडर में दिखाया है। तो यहाँ पर ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि के इज इक्वल टू, के क्या है भाई, यहाँ पर तुम लोग लिख लेना, के इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब बीटा क्या है, बीटा इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/K। अब ये कैसे आया, ये पूरा फार्मूला हमने आपको अभी पिछले डिस्कशन में बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस साइन आने का कारण क्या है, ये आप लोग जान गए होंगे, ठीक है ना। तो यार इसके साथ साथ हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने एक टॉपिक कल पढ़ाया था आपको, विस्कोसिटी, ठीक है ना। विस्कोसिटी में एक दो कॉन्सेप्ट हमारे छूट गए थे, मैं सोचा कि आपको, आपके लेवल का वो नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, मैं बहुत ऊपर ऊपर ही ऐसे चला गया। लेकिन आपके बुक में आज देखा हूँ तो वो सारी चीज़ें भी आपके सिलेबस में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम एक बार दोबारा से विस्कोसिटी को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो यार विस्कोसिटी को शुरू करने से पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आपके सिलेबस में, आपकी बुक में, और साथ में हर बुक में मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया होता है, जिससे कि हम लोग ये फिगर के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो यार इस फिगर में ये बताया गया है कि हम ये देखते हैं कि इधर से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब ये फ्लो हो रहा है किस पर, ये फ्लो हो रहा है एक फिक्स्ड प्लेन पर, ठीक है। अब यार ये प्लेन जो है वो रुका हुआ है, प्लेन का मतलब हवाई जहाज़ वाला प्लेन नहीं, ये फिक्स प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, समतल सतह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्लेन जो है स्टेशनरी है, इट्स नॉट मूविंग, ठीक है, इट इज़ नॉट मूविंग। तो अब यार यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है नो स्लिप कंडीशन का, ठीक है। नो स्लिप कंडीशन का मतलब ये है यार, ये बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, आप लिख लेना, वैसे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, आप इसमें से लिख लीजिएगा ज़रूर मेरे नोट्स से, ठीक है। तो कह रहा है कि यार ये जो स्टेशनरी सरफेस है, तो जब पानी इधर से फ्लो करते हुए आएगा, ठीक है, पानी इधर से फ्लो करते हुए आएगा, तो अभी
ये जो नो स्लिप कंडीशन है वो ये कहता है कि अगर कोई स्टेशनरी बॉडी यानी कि अगर कोई रुके हुए चीज़ पर कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो जो उसकी बॉटम मोस्ट लेयर का मतलब ये वाली लेयर, सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी यानी पानी का ये वाला लेयर, ठीक है, तो वो भी उसको भी स्टेशनरी माना जाएगा, यानी कि उसको भी स्थिर ही माना जाएगा, ठीक है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू देखें, इसको हम क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं भाई नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, नो स्लिप कंडीशन। तो नो स्लिप कंडीशन ये कहता है कि अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है यानी कि स्टेशनरी सरफेस जो है यहाँ पर, अगर उस पर कोई फ्लो जो है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी जो लेयर इस स्टेशनरी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी वो भी स्टेशनरी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉटम मोस्ट सरफेस होगी, जो बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ वाटर होगा ये वाला, इसको भी स्टेशनरी मान लिया जाएगा यानी कि रुका हुआ। अब यहीं से समझने वाली बात है, तो इसके ऊपर के बाद ये जो इसका जो नंबर आएगा वो स्टेशनरी सरफेस वाले जो ये जो स्टेशनरी सरफेस के ऊपर वाली लेयर के ऊपर ये फिसलेगी। अब ये अगर रुका हुआ हमने कंसीडर कर लिया नो स्लिप कंडीशन की वजह से, तो इसको भी इसके रिस्पेक्ट में क्या मानेंगे, स्टेशनरी मान लेंगे यानी रुका हुआ मान लेंगे, लेकिन रियल में तो रुका नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसकी जो वेलोसिटी हमने ज़ीरो मान लिया क्योंकि ये हमारा जो सरफेस है वो स्टेशनरी है, तो ये भी इसकी वेलोसिटी जो है इसके रिस्पेक्ट में ज़ीरो माननी होगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और जब ये एक्चुअल में होता नहीं है तो देखेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी होती है ये नीचे वाले यानी कि इस वाले की जो वेलोसिटी है इस वाले से थोड़ी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इस नो स्लिप कंडीशन की वजह से ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। अब देखते हैं कि मान लिया जाए एक लेयर है, ठीक है, मान लिया जाए इस पर्टिकुलर लेयर की वेलोसिटी यू है, इस पॉइंट पर पर्टिकुलर वेलोसिटी यू है और इसके ऊपर वाले लेयर की यू प्लस डी यू है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना, तो वही यू प्लस डी यू है, ठीक है ना। और इन दोनों सरफेस के बीच का जो गैप है यानी कि इन दोनों लेयर्स के बीच का, सरफेस कह रहा हूँ, इन दोनों लेयर्स के जो बीच का गैप है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डी वाई, यानी कि बहुत स्मॉल चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि यहाँ पर जिस सरफेस को हम कंसीडर कर रहे हैं पहले वाला बॉटम से जो कि यू है, ठीक है ना, तो यार यू की जो डिस्टेंस है सरफेस से वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वाई से, ठीक है ना, तो ये वाई जो है सरफेस से पहले उस पहले लेयर की जिसको हम कंसीडर किए हैं जो कि यू है, ठीक है ना, यू के बीच की डिस्टेंस है। अब इसका क्या यूज़ है हम आपको बताते हैं, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना, तो अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेंगे कि विस्कोसिटी जनरली होता क्या है। कह रहा है कि व्हेन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड, ये जो टू हमने आपको लिखवाया था डिफिनेशन, कि जब दो एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड यानी कि एक दूसरे से लगे हुए फ्लूइड क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं मोशन का, एक दूसरे के मोशन का, तो फ्लूइड की यही प्रॉपर्टी जो होती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जब दो फ्लूइड की एडजेसेंट लेयर एक दूसरे के मोशन का अपोज करें तो फ्लूइड की ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। अब क्या फ्लूइड का अपोज करना ही विस्कोसिटी होता है या फिर और भी कोई कारण होता है, तो हम देखते हैं कि क्या कारण होते हैं विस्कोसिटी के। तो हम पहला केस लेते हैं लिक्विड का, ठीक है, कि लिक्विड का क्या हमने लिया केस लिक्विड का, ठीक है, काज ऑफ विस्कोसिटी यानी कि क्या कारण है विस्कोसिटी के, ठीक है। तो कह रहा है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कोहेसिव फोर्स। हम जानते हैं विस्कोसिटी लिक्विड्स में क्यों होती है, क्योंकि जो कोई भी लिक्विड होता है उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहते हैं, कोहेजिव फोर्स। यानी कि हम ये बताते हैं सीधा सीधा एक लाइन में अगर ये बोलें तो लिक्विड्स में जो कोहेजिव ये विस्कोसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, कोहेजन की वजह से, यानी कोहेजिव फोर्स की वजह से ही लिक्विड में विस्कोसिटी होती है। तो यार यानी कि अगर हम देखें तो गैसेज में तो विस्कोसिटी होती नहीं है, तो क्या गैसेज में गैसेज में जो होता है ऐसा कोहेजिव फोर्स वो तो होता नहीं है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स आप देखे होंगे बहुत, हम पढ़ते हैं कि उनके बीच में जो होता है कि कोई जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर तो कोहेजन ऑलमोस्ट नील होता है, ठीक है ना। कोहेजन नील हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि उनके बीच में जो कोहेजिव फोर्स ही नहीं है तो उसकी विस्कोसिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसका दूसरा पैमाना लेते हैं, यानी कि दूसरी तरह से हम मेजर करते हैं, और इसके लिए आप देखो गैसेज हैं, अभी आप कंसीडर करिए, आप अज्यूम करिए, आप ध्यान दीजिए, आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। तो आप अगर अज्यूम करते हैं तो देखते हैं कि गैस के सिलेंडर में जो गैसेज भरी हुई हैं, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए किसी कंटेनर में गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत तेज़ी से उड़ते हैं हवा में, ठीक है, और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने का मतलब होता है एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और जब वो टकराते हैं तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब वो टकराते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे का अपोज करते हैं, ठीक है ना। तो वही जो अपोज करते हैं उसके वजह से ही इनमें कुछ मात्रा में विस्कोसिटी आती है, ठीक है ना। बट कह रहा है कि वो जो उनका रैंडमनेस होता है, यानी कि उनके घूमने की वजह से, बहुत जल्दी जल्दी जो इधर उधर घूमते हैं उनके घूमने की वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कोलाइड का मतलब होता है टकराना, वो एक दूसरे से टकराते हैं और जिनकी वजह से उनमें कुछ रेजिस्टेंस आता है, ठीक है ना। तो यार जो इस कंडीशन में, गैस के कंडीशन में होता है वो मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो विस्कोसिटी को, गैस की विस्कोसिटी को शो करता है, ठीक है ना। अब ये हो गया काज ऑफ विस्कोसिटी की, गैस या लिक्विड्स में विस्कोसिटी के कारण क्या है, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख लो कि 20 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पर जो म्यू ऑफ डब्ल्यू होता है, यानी कि विस्कोसिटी, वाटर की विस्कोसिटी होती है वो 0.01 पॉइज होती है पर सेकेंड, और म्यू ऑफ ए यानी कि विस्कोसिटी ऑफ एयर जो होती है वो 0.00018 पास्कल सेकेंड होती है, ठीक है। अब ये सारी आपके काम की चीज़ है नहीं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये आपके काम की चीज़ है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग सीधा रट जाइए, ठीक है, इसका डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी न्यूमेरिकल हो गया, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा अपने तरह से पढ़ाया है, अपने लेवल का, ठीक है। वैसे अगर आपको ये चीज़ थोड़ी ऊपर से निकली हो तो एक बार दोबारा वीडियो को प्ले करिएगा, आपको ज़रूर समझ आएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करिएगा। तो इसी के साथ हम कल आते हैं कुछ नया टॉपिक लेकर, इसमें से हमने सोचा कि ये पिछली जो टॉपिक्स बचे हैं इसको कवर कर लिया जाए, इसलिए इस वीडियो में और इन सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। अब जो अगली वीडियो होगी वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होगी, जो कि हमने जो अभी तक टॉपिक पढ़ा है उस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसको कवर किया जाएगा अगले टॉपिक में। तो थैंक यू सो मच।